मथुरा वृंदावन नगर निगम के द्वारा जनता तक बेहतर सुविधा पहुंचाने के लाख प्रयास किए जा रहे हों, लेकिन लापरवाही के चलते स्थानीय लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। ऐसा ही मामला निगम के वार्ड संख्या 42 की रुकमणी बिहार का है, जहां पर महीनों से पीने के लिए पानी के लिए स्थानीय निवासी परेशान हो रहे हैं और दूषित पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। इसी को लेकर गुरुवार को रुकमणी बिहार की महिलाएं जल निगम कार्यालय पहुंची और जल निगम के प्रबंधक सुधीर कुमार से शिकायत की और बोतलों में गंदा पानी ले जाकर दिखाया कि वह कितना गंदा पानी पीने को मजबूर हो रहे हैं। जल निगम के अधिकारियों ने जलकल विभाग पर आरोप लगा दिया कि जलकल विभाग की लापरवाही के चलते दूषित पानी आ रहा है। जब जलकल विभाग पहुंची महिलाओं ने जलकल विभाग के अधिकारियों से बात की तो उन्होंने बताया कि ठेकेदारों के द्वारा कार्य कराया जा रहा है और जल्द पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन एक महीने पूर्व भी इसी दूषित पेयजल आपूर्ति की शिकायत करने के लिए स्थानीय महिलाएं विभागों के चक्कर लगा चुकी हैं और एक हफ्ते का समय फिर देकर टहला दिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए महिलाओं ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि पाइपलाइन डाल दी गई है, लेकिन पानी की समस्या बनी हुई है और दूषित पानी आता है, जो कि पीने योग्य तो दूर की बात है, वह सफाई कार्य के प्रयोग में भी नहीं लाया जा सकता है। इस दूषित पानी के चलते बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। अब देखना होगा कि नगर निगम के अधिकारियों का ध्यान इस ओर कब तक जाता है। टैंकर से टंकी नहीं भरी जाती है। अरे टंकी की आवाज नहीं है, हमारा काम है आपको पानी देना। पानी हम देंगे आपको, चार टैंकर भेजो नीचे का तो भरी जा रहा है। अरे अभी पहले हम अभी दो चार पानी पहले हम देखेंगे पूरा। अभी तो हमें कम से कम मान के चलना तीन चार दिन हमें समझने में लगेगा कहाँ है कहाँ टूटी, फिर उसके बाद हम काटेंगे लाइन जगह जगह काट के चेक कर दीजिए। आप पेपर सुनिए, नहीं नहीं थोड़ा सा नाली भी साफ करवा कर देखोगे तो उसमें क्या नाम है, जब वो सप्लाई के समय चेक करोगे तो अगर किसी नाली में होगा तो नाली में हमारी नाली कोई नाली नहीं पूरी। अब आप इसी को लगा दो तो जलने रुकमणी विहार से गली नंबर 3 और इतनी परेशानी है कि पानी है ही नहीं है, टंकी में नहीं, घर में नहीं, बाहर नहीं, कहीं पानी नहीं है। समर बैठे हैं, समर लगाने नहीं देते, समर है नहीं है किसी के, और बच्चे नहाते हैं तो खुजली हो जाती है, हम लोग नहाते हैं तो खुजली हो जाती है, और महीना दो महीना तक कोई सुनता ही नहीं है बिल्कुल। अब ये ऐसे नहीं सुनेंगे तो फिर ऐसे सुनेंगे। आज जलकल विभाग में और जल निगम में आप आई हो तो यहाँ पे शिकायत की है तो क्या कह रही है? इतनी बदबू आती है कि आप देख नहीं सकते, उसको सूंघ नहीं सकते। तो यहाँ के अधिकारी क्या कह रहे हैं? अब देखते हैं क्या कहते हैं, ऐसे मानेंगे ऐसे नहीं, फिर पानी तो देना ही पड़ेगा इनको। अब क्या आश्वासन दिया है आपको? अब तो ये दिया है क्या, 7 दिन की बोला है। 7 दिन इससे पहले भी यहाँ पे आई थी? नहीं आए, इसलिए आए, पानी की समस्या बहुत है, पीने के लिए पानी नहीं, नहाने के लिए पानी नहीं, और क्या करें, संबल बैठी हुई हैं, अधिकारी लोग लगाने नहीं देते हैं, और पानी की इस समय बहुत समस्या हो रही है, इसलिए ये मजबूर होकर के हम यहाँ पे आए जल निगम में। तो ये समस्या कब से बनी हुई है? ये समस्या 1 महीना हो गया हमको कंप्लेन करते करते। हाँ जी, वैसे पानी की समस्या तो है ही है। तो पहले यहाँ पे ऑफिस आई थी? हाँ, आ चुके हैं जी। तो अभी तक कोई नहीं, अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। अब क्या बोला है? अब 1 हफ्ते का समय दिया है इन्होंने। 1 हफ्ते का समय दिया? हाँ जी, 1 हफ्ते बाद। 1 हफ्ते तक सही नहीं हुआ फिर क्या करोगे? तो करेंगे कि फिर हम यहाँ पर आएंगे दोबारा, फिर हंगामा करेंगे, क्या फायदा है। चंदन वन एक्चुअली ट्रेन स्टूडेंट्स टू बी नॉट ओनली वोकेशनली एंड टेक्निकली स्किल्ड बट विद बेस्ट ह्यूमन क्वालिटीज ऑफ लॉयल्टी, सिंसेरिटी, डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, विच इज द मोस्ट इन डिमांड टुडे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।